विश्व का नंबर वन जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन, 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो, Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास, विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8000456779427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैन अनुष्ठान की एक सुपर पेशकश, एक सुपर रिसर्च। बहुत जल्दी शनि अमावस्या आ रही है और पूरे विश्व भर के हजारों लाखों लोगों के लिए मंत्र साधना, ध्यान आराधना, ज्योतिष के विषय के अंदर, उसमें भी जैन ज्योतिष के ऊपर विशेष मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में जैन शासन के प्रकांड पंडित रिसर्चकार नाकोड़ा महातीर्थ के अंदर, जिन्होंने 2011 में ज्योतिष रत्न की विशेष उपाधि प्राप्त की है, अनेक पुस्तकों को जिन्होंने लिखा है और अभी तक हजारों परिवारों की जिन्होंने जैन विधि थी कालसर्प योग की पूजा कराई है और पूरे जैन समाज के अंदर पहली ऐसी पावरफुल कालसर्प योग की 4 कलर की रंगीन के साथ, चित्रों के साथ, यंत्रों के साथ में, और एक एक उनके जो फल है प्रैक्टिकल जीवन में कैसे मनुष्य को प्राप्त होते हैं उनके बारे में डिटेल से बताने वाले ज्योतिषाचार्य ज्योतिष रत्न पूज्य गुरुदेव लाभेश विजय जी महाराज साहब जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए, आज उन्होंने बहुत अनमोल समय हमें दिया है जो आप सभी लोगों को काफ़ी समय से जैन अनुष्ठान के ऊपर आप देख रहे हैं। तो शनि ग्रह के लिए, शनि ग्रह क्या है, शनि ग्रह की डिटेल्स क्या है, कैसे आराधना करना है, आप सभी लोगों के एक एक सवाल को गुरुदेव डिटेल से बताएंगे। तो सभी लोग वंदना करते हुए मत्थेन वंदा में लिखते हुए पहला प्रश्न गुरुदेव को हम पूछेंगे आप सभी की ओर से, गुरुदेव शनि ग्रह क्या है और कैसे उनकी आराधना की जाए, उनकी प्रकृति क्या है? शनि जयंती पर ये विशेष प्रस्तुति जाने माने जो गुरु जी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने विश्व भर में जैन धर्म की पताका फहराई है, ऐसे निकुंज गुरु जी द्वारा यह शनि जयंती पर विशेष प्रस्तुति का कार्यक्रम रखा है, जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से अनेक लोगों को जैन धर्म के अंदर स्थिर किया, भारत में नहीं अपितु विश्व के कोने कोने में जाकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और संपूर्ण भारत में एकमात्र विधिकारक के हैं या गुरुजी के हैं जिनके मन की ये भावना रहती है कि जैन समाज का प्रत्येक बच्चा अपनी समस्या का समाधान जैन धर्म से करे, जैन अनुष्ठान से करे, जैन यंत्र से करे, और उनकी वही भावना को लेकर आज शनि जयंती पर विशेष शनि का विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मैं साधुवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ निकुंज गुरु जी को, जिन्होंने अथक परिश्रम, अथक मेहनत करके जन जन तक शनि के बारे में, शनि के दुष्प्रभाव, शनि के प्रभाव, सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का जिन्होंने प्रयत्न किया, ऐसे निकुंज गुरु जी को मेरी ओर से बहुत बहुत और आशीर्वाद। और उन्होंने प्रश्न किया कि शनि की प्रकृति कैसी है, शनि कैसा है, तो विशेष शनि के बारे में बहुत लोग जानते हैं और शनि का नाम जैसे ही लोग सुनते हैं तो उनके अंदर एक अंधकार का डर उनके भीतर समा जाता है और शनि का नाम सुनकर लोग
परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि शनि की दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ती है वह व्यक्ति का जो जीवन होता है वह नरक जैसा उसका जीवन बन जाता है। और शनि को शास्त्रों के अंदर न्याय का देव कहा, कर्म फल दाता कहा। भगवान महावीर ने भी कर्म के ऊपर कहा, सुचिणा कम्मा सुचिणा फला भवंती, दुचिणा कम्मा दुचिणा फला भवंती। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा मिलता है। व्यक्ति जीवन में जैसा बोता है वैसा अपने जीवन के अंदर पाता है। तो शनि भी यही कार्य करता है, व्यक्ति बुरा कर्म करेगा तो शनि उसे दंडित करता है, उसे न्याय देता है और उसे इसी जन्म में अपने कर्मों का फल देता है। और शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि के अंदर रहता है और करीब 30 वर्षों तक शनि 12 राशियों के अंदर विचरण करता है। और शनि सूर्य से सबसे दूर ग्रह है और सौर मंडल के अंदर सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो वह गुरु है और गुरु के बाद कोई बड़ा ग्रह है तो वह शनि है। और शनि के पास जो आसपास जो वलय हैं वह नीली आकृति वाले हैं और शनि का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैस पाई जाती है। और शनि सूर्य से 88 करोड़ 61 लाख मील और पृथ्वी से 79 करोड़ 31 लाख 43 हजार मील दूर शनि ग्रह है। यह शनि की एक सामान्य जानकारी है। बहुत सुंदर गुरुदेव ने एक एक चीज़ों को साइंटिफिक रूप से और कॉमन व्यक्ति जिनको शनि के ऊपर PhD करना है, बहुत सारे लोग अलग अलग रूप से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए गुरुदेव आपने जो ये माहिती बताई बहुत 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 लाभदायी है। कॉमन एक प्रश्न आया है कि भाई शनि प्रधान जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए या उनके लक्षण क्या है, वो जरा आप डिटेल के साथ में गुरुदेव बताइए। शनि प्रधान व्यक्ति हमेशा जो शनि का प्रभाव जिन व्यक्तियों में रहता है उनके केश और अव्यय कठिन होते हैं और उनका जो शरीर होता है वह दुर्बल होता है और उनकी जो स्नायु हैं और जो उनकी नसें हैं वह हमेशा शरीर के ऊपर दृष्टिगोचर होती है और उनकी जो प्रकृति होती है वह वात प्रकृति होती है और उनके जो दांत होते हैं वह मोटे होते हैं और वह व्यक्ति तामसी बुद्धि वाला और आलसी होता है और उसके दीर्घ नख बड़े होठ बड़े दांत और वह व्यक्ति चुगलखोर होता है। वह व्यक्ति वन पर्वतों पर भटकता रहता है और 100 वर्ष की उसकी आयुष्य रहती है और 36 साल के अंदर जो शनि प्रधान व्यक्ति रहता है उसका भाग्योदय होता है। और शनि का एक विशेष प्रभाव यह रहता है कि व्यक्ति जवान भी रहता है तो शनि के प्रभाव से वह बूढ़ा दिखता है। ये शनि का प्रभाव है, ये शनि की विशेषता है और जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें दृष्टिगोचर होती है। बहुत अलग अलग अद्भुत चीज़ें गुरुदेव ने बताई है कि इसके अंदर अपन बहुत बेसिक रूप से समझ रहे हैं कि जो बहुत जल्दी थक जा रहे हैं या चेहरे के ऊपर जिनको बहुत युवानी के अंदर बुढ़ापा नज़र आ रहा है उन सभी लोगों को खास ये शनि जयंती मंत्र साधना के लिए मेडिटेशन के लिए पूजा विधि के लिए बहुत पावरफुल है। एक और हमारे दर्शक का सवाल गुरुदेव आया है कि शनि कौन कौन सी चीज़ों का कारक माना गया है, यदि हमको थोड़ा सा और डिटेल से जानना हो तो शनि की कारक चीज क्या है उसके बारे में थोड़ा सा। शनि का कारक का अर्थ होता है शनि किन चीजों में प्रभावशील है। उन व्यक्ति जो शनि प्रभाव व्यक्ति होता है शनि में जिनका कुंडली के अंदर जिनका शनि पावरफुल होता है वो व्यक्ति किस लाइन में जाए किस ओर आगे बढ़े जिससे अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो शनि के कारक है वह मील कारखाने हैं, भूगर्भ शास्त्र हैं, प्रिंटिंग प्रेस हैं, कोयले का व्यापार है, बीमा कंपनी के वे एजेंट बन सकते हैं, लोहे की चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, कृषि विद्यालय चला सकते हैं, स्नायु शास्त्र पुरातत्व संशोधन ईंट के कारखाने हड्डी के डॉक्टर भी वे बन सकते हैं, झाड़ू बनाने वाले जो रहते हैं उन पे भी शनि का प्रभाव रहता है, तेल का व्यापार, विदेशी भाषा जो शनि जिनका पावरफुल रहता है वे विदेशी भाषाओं के जानकार होते हैं, शीशे का धातु का व्यापार कर सकते हैं, मैनेजिंग
मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, सीमेंट का, बिजली के सामान का वह व्यापार कर सकते हैं। और वह शनि जिनका प्रधान रहता है वे उच्च न्यायालय के जज बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं, वे जिला परिषद के सदस्य बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, और विशेष रूप से वे सैनिक के अंदर सैनिक में भर्ती हो सकते हैं, वह सेना के अंदर सैनिक भी बन सकते हैं। शनि इन वस्तुओं का कारक होता है। तो ये बहुत आपने डिटेल से देखा, जो जो भी लोग ये सारी चीज़ों के अंदर, जिस ऑडियो का जिसका बिजनेस है, जिनका सैनिक का है, जो गवर्नमेंट में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, वो लोग सभी खास शनि की उपासना करें। या आपका मेडिकल का, केमिकल का बिजनेस है, या आप झाड़ू बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो भी आपको मैक्सिमम टाइम शनि को मजबूत बनाने के लिए, शनि साधना के लिए, और ख़ास करके ऐसे सद्गुरुओं के पास समय समय पर, जितने भी लोग हैं उनको खास मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप आपके फैमिली डॉक्टर रखते हो, समय समय 3 महीने 6 महीने के अंदर आप आपकी पूरी बॉडी का चेकअप कराते हो, एक बार अवश्य अपनी कुंडली दिखाइए, अपने कुंडली के अंदर शनि का रिपोर्ट कराइए। आप किसके लिए स्पेशल बने, बहुत सारे लोग लंबे समय तक बिजनेस करते और अनसक्सेस हो जाते हैं, गुरुदेवों के पास आप जब कुंडली का एनालिसिस कराते हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट बिजनेस है। आप यदि हड्डी के डॉक्टर बनने के लिए बेस्ट हैं और आप लाखों रुपया देकर के दूसरे MBA करेंगे या आँख के डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, तो आपके बेटे के लाखों रुपया वेस्ट जाने वाले। तो आपने बहुत डिटेल से जाना कि शनि किस चीज़ का कारक है, और यही सारे आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको शनि को बराबर मजबूत कराना पड़ेगा। साथ साथ के अंदर हेल्थ की बात, गुरुदेव आपने हड्डियों के डॉक्टर और अलग अलग चीज़ें बात की है, तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं कि शनि यदि कमज़ोर है, शनि यदि दोषित है कुंडली के अंदर, तो उनके बॉडी के अंदर आ सकते हैं। रोग के बारे में भी आप अभी चारों तरफ, 21 जून भी आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ डे भी अभी गया है, तो रोग की जानकारी और रोग में संभलने के लिए शनि का आपका मार्गदर्शन जरा बताइए। कहते हैं कि शनि वक्रे जने पीड़ा, गुरु वक्री स्थिर रोग। जब शनि वक्री होता है तो निश्चित रूप से जो जन लोग होते हैं वे परेशान होते हैं, और शनि कई रोगों का कारक है, जैसे कि दांत के जो रोग होते हैं वो शनि के माध्यम से आते हैं, शीत ज्वर है, पागलपन है, और विशेष करके हड्डियों का टूटना, गैस संबंधित जितने भी रोग होते हैं, वायु संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो शनि के संबंध से आते हैं, पसीने के अंदर जो दुर्गंध आती है, और जो पत्थरों से कई बार चोट लगना तो वो शनि के प्रभाव से आता है, जोड़ों का दर्द, कई बार घुटनों का जो दर्द होता है वह भी शनि के प्रभाव से आता है, और कोढ़ का जो रोग होता है वह भी शनि के प्रभाव से आता है। जितने भी लोग नींव रिप्लेसमेंट कराने वाले हैं उन सभी के लिए गुरुदेव आखिरी में शनि का एक अद्भुत मंत्र, क्योंकि अभी जैसे गुरुदेव ने बताया कि नींव जो ढीचण का प्रॉब्लम भी आपको वायु की प्रकृति है जिसको, तो उन सभी के लिए बेस्ट शनि का मंत्र भी आखिरी में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पहले बेसिक शनि की जो सामान्य जानकारी है, कॉमन मैन के जीवन में शनि का क्या रोल है, कैसे शनि दोषित होता है, कैसे शनि को आप उच्च कर सकते हो, कैसे आप डिसिप्लिन के साथ में जी करके दुनिया का, जैसे गुरुदेव ने बताया कि न्यायालय के अंदर भी आप आगे बढ़ सकते हो, राजा भी शनि आपको बना सकता है। तो शनि की सामान्य जानकारी आप सभी के लिए गुरुदेव बता रहे हैं। शनि की सामान्य जानकारी, शनि के बारे में समझना पड़ेगा तभी हम शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। शनि जो है वह सेवक है, और शनि जो है वह एक नपुंसक ग्रह है, और शनि एकांत प्रिय ग्रह है, और यह पाप ग्रह है, और नरक का कोई अधिपति है तो वह शनि है, और शनि जो होता है वह कृष्ण पक्ष में, वध पक्ष में बलवान होता है, और सप्तम स्थान में शनि हमेशा निष्फल होता है, और अष्टम भाव का शनि हमेशा कारक होता है। इसका जो रंग होता है वह काला होता है, इसका जो रत्न होता है वह नीलम होता है, इसका दांत, कलाई, पीठ, पैर इसके मुख्य अंग हैं, और बुध और राहु और शुक्र शनि के परम मित्र हैं, और गुरु इसका सम मित्र है, और इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वह कुंभ राशि है, और उसकी शनि की 20 डिग्री पर जो तुला राशि है उस तुला राशि के अंदर शनि उच्च का होता है, और 20 डिग्री पर शनि मेष राशि में नीच का होता है, और इसका जो वृक्ष है वह किंकर वृक्ष है, और जो इसकी इंद्रिय है वह स्पर्श है, और शनि
पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्रपद पूर्वासाड़ा उत्तराषाढ़ा अभिजीत श्रवण नक्षत्रों के अंदर बलि होता है और ये शनि हमेशा जहाँ पर बैठता है उस स्थान के अंदर अभिवृद्धि करता है और जिस स्थान पर शनि दृष्टि डालता है वह उस स्थान के फल का नाश करता है और शनि हमेशा तीसरे भाव छठे भाव और ग्यारहवें भाव में विशेष रूप से उत्तम फल यह शनि देता है और यह शनि की एक सामान्य विशेषता है। बहुत गुरुदेव ने जबरदस्त बातें बताई है। बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर मित्र भी ये सारे वीडियो देख रहे हैं तो उनकी जिज्ञासा है कि गुरुदेव आपने इतना डिटेल से बताया हुआ है तो 12 भावों के अंदर क्या क्या विशेष फल शनि प्रदान करता है उसको भी आप अपनी कुंडली को साथ में रखते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत उथल पुथल मच रही है तो खास करके शनि शांति पूजन है, कालसर्प योग शांति पूजन है, शनि मंत्र है वो आराधना आप कर सकते हैं। इसके पहले आपके कुंडली में कौन से भाव में शनि है तो 12 भावों का बेसिक गाइडेंस गुरुदेव हम सभी लोगों को प्रदान कर रहे हैं। सामान्य रूप से शनि के 12 फलों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ये बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही मेहनत और परिश्रम से इन 12 भावों में शनि का फल यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस जातक की कुंडली के अंदर शनि लग्न में होता है वह व्यक्ति धनवान तो होता है पर धनवान होने के साथ साथ उसकी जो धन की जो तृष्णा रहती है वह हमेशा बनी रहती है और शनि अगर दूषित होता है तो वह व्यर्थ के झगड़े श्वास के रोग और संधियों के रोग और चित्त में हमेशा उसके भय बना रहता है। वह हमेशा तामतूर आलसी और बचपन में वह हमेशा बीमार रहता है पर धनु मीन और कुंभ और तुला के अंदर अगर शनि है तो वह व्यक्ति राजा जैसा उत्तम जीवन अपने जीवन के अंदर जीता है और अगर शनि अशुभ है और अशुभ ग्रहों के साथ अगर उसका संबंध है तो वह व्यक्ति डरपोक और अपने आप से दूर रहने वाला लोगों से दूर रहने वाला और हमेशा एकांत प्रिय होता है। यह शनि का जो प्रथम भाव है उस प्रथम भाव का फल है और द्वितीय भाव जो धनेश कहते हैं और धन के अंदर अगर शनि होता है धन भाव के अंदर शनि होता है तो वह व्यक्ति सुख की इच्छा से अपने कुटुंब को छोड़ करके परदेश में जाकर के बसता है और सभी प्रकार के वहाँ पर सुखोभोग का सामान अपने जीवन के अंदर भोगता है और कटु वचन अप्रासंगिक बोलने के कारण मित्रों के अंदर उपहास का कारण बनता है, लोहे के व्यापार से उसको फायदा होता है और सर्वार्थ सिद्धि के लिए हाथों के अंदर सहस्त्र शस्त्र ग्रहण करता है और शनि अगर पापग्रह से युक्त है तो वह व्यक्ति को ठगने वाला होता है और धन स्थान के अंदर अगर शुभ संबंध है तो पूर्वार्जित जो संपत्ति उसने अर्जित की है वो संपत्ति को वह प्राप्त करवाता है। ये दूसरे भाव का शनि का फल है और तृतीय भाव जो पराक्रम का होता है वह तृतीय भाव जो अपने भाई बहन का भी होता है और जिसमें शनि बैठा हुआ रहता है उसके अंदर भाई बहनों के अंदर वह मन मुटाव कराता है, उनके द्वारा व्यक्ति का चित्त अशांत और अस्वस्थ रहता है और उद्योग करने पर भी उसको सफलता नहीं मिलती है। वह जातक मितभाषी होता है, सम्मान और सत्कार करने वालों से दुष्टता तथा कृतज्ञता का व्यवहार करता है। यदि शनि उच्च और स्वग्रही होता है तो भाइयों के अंदर अभिवृद्धि करता है और शनि अगर शुभ से संबंध है तो बलवान मन गंभीर और शांत विवेकी और विचारशील होता है और शनि तीसरे भाव का व्यक्ति को जिद्दी और उसका जो मन रहता है वह हमेशा सैनिक प्रवृत्ति का रहता है। वह ये सोचता है कि मैं जो बोलूँ वही दुनिया करनी चाहिए, ऐसी स्थिति उसके मन की बनी रहती है। तो ये तीसरे भाव का शनि का फल है और चतुर्थ भाव रहता है वह सुख का रहता है और सुख भाव के अंदर शनि रहता है तो निश्चित धन को भी प्राप्त करवाता है और व्यर्थ के जो कलंक होते हैं उनसे भी बचाने का काम करता है और वात जन्य पीड़ा उसको हमेशा रहती है और शनि मकर तुला कुंभ से शुभ संबंध रखता है तो पूर्वाजित संपत्ति भी उसको प्राप्त होती है। शनि निर्बल है और पीड़ित है तो माता का मृत्यु जैसा कष्ट भी उसको सहना पड़ता है और उसके जीवन के अंदर सोकेली माँ
का भी प्रादुर्भाव होता है और जिनका शनि चतुर्थ भाव में रहता है उन व्यक्तियों को कभी भी अपने घर का मकान नहीं बनाना चाहिए, मतलब घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। उन लोगों को हमेशा खरीदा हुआ ही घर खरीदना चाहिए, ऐसा चतुर्थ भाव का शनि का फल है। और पंचम भाव, पंचम भाव जिसे शिक्षा का भी कहते हैं, संतान का भी कहते हैं, और कहते हैं कि जिसमें पंचम भाव में शनि रहता है तो संतान का अभाव रहता है, संपत्ति घटती बढ़ती रहती है। और पंचम भाव में शनि होने से उसकी जो श्रद्धा है वह देवताओं में और धर्म में थोड़ी कम होती है और कलेजे के अंदर हमेशा उसकी पीड़ा बनी रहती है और जातक हमेशा रोगों से घिरा रहने के कारण उसका जो शरीर रहता है वह दुर्बल रहता है। और शनि अगर उच्च का है, स्वराशि का है, तो निश्चित उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और शनि यहाँ पर जो प्रेम का जो प्रकरण रहता है वह लव मैरिज हमेशा असक्सेस रहती है, असफल रहती है। और धनु राशि के अंदर अगर शनि रहेगा तो उसकी शिक्षा हमेशा अधूरी रहती है। तो ऐसा ये पंचम भाव का शनि का फल है। और षष्ठम भाव, षष्ठम भाव में शनि हमेशा बहुत ताकतवर रहता है और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं और वह महाबली होते हैं और शत्रु हमेशा उससे भयक्रांत रहते हैं और मामा से हमेशा अनबन रहती है और उसकी जो जठाग्नि रहती है वह हमेशा प्रबल होती है और उसका जो देह है वह पुष्ट और शक्तिशाली रहता है और हमेशा उसको भूख लगी रहती है और वह हमेशा भोजन भट होता है, हमेशा खाने की इच्छा रखता है। और शनि जिसका षष्ठम भाव में रहता है उसके नीच शत्रु होते हैं, नीच जाति के शत्रु होते हैं। यदि शनि और मंगल अगर षष्ठम भाव में रहते हैं तो व्यक्ति विदेशों में घूमता है। और तुला राशि में अगर शनि रहता है तो पिताशय की उसकी तकलीफ होती है। और षष्ठम भाव में जो शनि रहता है वह भैंस पालन कर कर के भी अपना जीवन चला सकता है। और अब सप्तम भाव, सप्तम भाव जो पत्नी भाव का कारक है और जिस मनुष्य के सप्तम भाव में शनि रहता है वह योग्य हितकारी स्त्री की प्राप्ति उसको होती है, पर उसकी स्त्री हमेशा रोगों से ग्रसित रहती है, पीड़ित रहती है और रोगों के कारण वह हमेशा अनुत्साही और अपने आप को कमजोर महसूस करती है। और अगर शनि द्विस्वभाव राशि का होता है तो बहुविवाह के योग होते हैं। और शनि अगर बली होता है और शुभ से संबंध होता है तो विवाह से भी उसको धन संपत्ति प्राप्त होती है। और शनि के साथ अगर मंगल है तो उसको व्यभिचार की प्रवृत्ति रहती है। और शनि चंद्र अगर साथ में है, सप्तम भाव में है, तो विवाह सुख की भी कमी रहती है। और शनि शुक्र अगर साथ में है तो व्यक्ति में जो कामोत्तेजना है वह अधिक मात्रा में रहती है। तो ऐसा सप्तम भाव का शनि का फल है। और अष्टम भाव, अष्टम भाव के अंदर जो शनि रहता है तो ज्ञानी ज्ञानी की सत्संगी की हमेशा वह इच्छा रखता है और दूसरों का दोष निकालने में वह माहिर होता है और वह अत्यंत चतुर रोग और भयभीत और कलंकी होता है और जातक रोगी होता है और अनेक प्रकार के रोगों से वह घिरा रहता है। और अष्टम शनि पहले उम्र में कष्टकारक किंतु पिछली उत्तरार्ध के अंदर वह सुखी और शांति से अपने जीवन को जीता है। और नवम भाव, नवम भाव जो भाग्य का कारक है, जो धर्म का कारक है, ऐसा शनि वहाँ अगर रहता है तो व्यक्ति विषय वासना से विमुख होकर जीवन को विरक्त रूप से जीता है। और शनि दुख देखकर संसार से विरक्ति देता है। शनि के प्रभाव से मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं। यह तीर्थ यात्रा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और दानशील और इंद्रिय दमन में हमेशा आगे रहता है। और शनि बुढ़ापे में व्यक्ति को विरक्ति देता है और कई लोग संन्यास लेते हैं और कई लोग संसार को छोड़कर के दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो उसका मुख्य कारण है कि कई लोगों के नवम भाव में शनि रहता है और वह शनि उनको वैराग्य की ओर आगे बढ़ाता है। और जो मीन राशि का जो शनि अगर नौवें भाव में और बारहवें भाव में बैठता है तो निश्चित रूप से वह दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण करता है। और तुला, मकर और कुंभ और मिथुन राशि से अगर शनि संबंधित है तो शनि व्यक्ति को विद्या संगी, शांत स्वभावी और स्थिर वृत्ति का
बनाता है और स्वक्षेत्र का अगर शनि है तो व्यक्ति निश्चित मर करके स्वर्ग में जाता है, और दशम भाव का जो शनि है वह दशम भाव का शनि धीरे धीरे आजीविका को बढ़ाता है, माता पिता का सुख उस व्यक्ति को कम मिलता है, लड़ाई झगड़े अवश्य दिलवाता है, वह व्यक्ति न्यायाधीश भी बन सकता है। और दशम भाव का जो शनि रहता है, जो शनि के जो कारक के जो बिजनेस है, जो व्यापार है, उन माध्यम से आप अगर करते हैं तो निश्चित आपको वह बिजनेस के अंदर सफलता मिलती है। और शनि दशम भाव का भी राजनीति क्षेत्र के अंदर बहुत आगे व्यक्ति को ले जाता है, और अगर शनि शत्रु राशि का है, नीच राशि का है, तो व्यक्ति को नौकरी से धन कमाना पड़ता है। शनि ग्रह अगर पाप ग्रहों के साथ है तो कई कार्यों के अंदर रुकावट आती है, और सूर्य मंगल चंद्र से अशुभ संबंधित है तो शनि व्यक्ति को असफलता विघ्न दारिद्र और अपमान और अपकीर्ति का कारण बढ़ता है, और पुत्र के साथ प्रगति नहीं कर पाता है। तो यह दशम भाव के शनि का फल है, और ग्यारहवें भाव का जो शनि का फल है वह शनि व्यक्ति को दीर्घायु स्थिर बुद्धि वाला बनाता है, और जिसका शनि ग्यारहवें भाव में रहता है उसको व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है, और रोग भी उसके शरीर में नहीं टिकते हैं। तुला मकर और कुंभ के अंदर अगर शनि है तो मनुष्य को विद्वान और भाग्यवान बनाता है, और इस स्थानों पे जिसका शनि रहता है उन लोगों को मित्रों से उधार देने में नुकसान उठाना पड़ता है, तो उन व्यक्तियों को मित्रों को उधार धन नहीं देना चाहिए। और रवि और चंद्र अगर शनि के साथ है तो व्यक्ति को दारिद्र्य योग का निर्माण करता है, और द्विज स्वभाव राशि के अंदर है तो असफलता प्राप्त होती है। और मिथुन सिंह और धनु में शनि है तो पुत्र अधिक नहीं होने देता है, पर एक पुत्र जरूर उसके जीवन के अंदर मिलता है। और बारहवां भाव शनि रहता है तो व्यक्ति को डरपोक मन बुद्धि का बनाता है, वह व्यक्ति परदेश में प्रसन्न रहता है, व्यर्थ के खर्च और पाप कर्म के अंदर वह हमेशा लीन बना रहता है, और किसी भी अंग का टूटने का दुख उसको जीवन के अंदर बनाता है, और शत्रुओं से हमेशा विजयी होता है। और पाप ग्रह के साथ हो तो आंखों की तकलीफ होती है, और मृत्यु के बाद वह दुर्गति में जाता है, और वह उसकी जो प्रवृत्ति रहती है वह एकांतमय रहती है, सन्यासी जैसी होती है, और झूठे आरोपों से उसको कष्ट होता है, और सामाजिक कार्यों के अंदर वह हमेशा रुचि लेता है। तो ये शनि के 12 भावों का वर्णन है, ये सामान्य रूप से है, और इसे आपको समझना, आप अपनी कुंडली के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। बहुत शानदार रूप से गुरुदेव ने इस चीज़ों के बारे में बताया है, एक एक चीज़ को डिटेल से बताया है। पूरे भारतवर्ष के अंदर राजगुरु तीर्थ आप देख लीजिए, और साथ साथ में आज पूरे विश्व में हजारों जैन मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की जबरदस्त आराधना करते हैं, अलग अलग प्रकार की अष्ट प्रकारी पूजन करते हैं, कोई बहुत सारे लोग चीकू चढ़ाते हैं, काली फ्रूट चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार की चिक्कियाँ चढ़ाते हैं। लेकिन आज जो है सभी के जीवन के अंदर एक शब्द जैसे ही कान में सुनाई देता है कि मेरी राशि में या मेरी जिंदगी में पनौती बैठ गई है, या ऐसे सुनाई जाए कि शनि जो है सूर्य के साथ में है, शनि जो है चंद्र के साथ में है। आप लोगों ने एक एक ग्रह के बारे में तो गुरुदेव ने हम सभी को बता दिया, लेकिन आपकी गुरु ग्रह कुंडली के अंदर कोई युति बनी हुई है, और उस युति के कारण जैसे शनि सूर्य शनि साथ में पितृदोष बना है और आपकी लाइफ में बहुत धमाल मची हुई है, तो कौन कौन से ग्रह के साथ में शनि जैसे ही बैठता है और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या अप डाउन आने वाले हैं, उनकी पूरी डिटेल के अंदर, क्योंकि ये जैन अनुष्ठान की सारी वेब सीरीज और गुरुदेव का जो एक अद्भुत रिसर्च है, गुरुदेव ने शनि के ऊपर पूरे जैन शासन में पहली ऐसी किताब शनि के ऊपर जो डिटेल के अंदर मंत्र साधना, ध्यान साधना, दान, तपस्या, पूजन विधि, मंत्र विधि, उसके अंदर अब आगे का प्रकरण है। यदि आपकी पत्रिका में शनि के साथ में और भी कई सारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को इतना पूरा एपिसोड में बहुत सारी जानकारी तो प्राप्त हो गई है। अब आपको चेक करना है कि शनि के साथ में कौन कौन से ग्रहों की युति है और आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और उनका सॉल्यूशन भी बहुत ईजी वे में घर बैठे बैठे आप कर सको, ऐसा मार्गदर्शन आपको देने वाले हैं। तो अब आगे का जो हमारा विषय है, शनि के साथ में और भी कोई ग्रह बैठा है तो क्या क्या आपके जीवन में घटनाएं घट सकती है और उसे कैसे आप बच सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया निकुंज जी ने कि भी शनि ग्रहों के साथ कौन से ग्रह ग्रहों की युतियां हैं और कौन कौन से परिणाम, कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं।
तो शनि और सूर्य जी गुरुदेव पिता और पुत्र हैं, और इन दोनों की युति अगर व्यक्ति के कुंडली के अंदर होती है तो कहते हैं कि सूर्य जो होता है वो प्रकाश का कारक है और शनि है वो अंधकार का कारक है। सूर्य पूर्व दिशा का कारक है और शनि पश्चिम दिशा का कारक है। ये दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और कहते हैं कि एक कट्टर दुश्मन सूर्य और शनि आपस में रहते हैं। और सूर्य और शनि कुंडली में रहते हैं तो कई हिंदू धर्म के शास्त्र कहते हैं जिनका शनि सूर्य साथ में होता है तो पितृ दोषों से पीड़ित होते हैं, पूर्वजों का दोष पितरों का दोष उनको हमेशा लगता है। और सूर्य और शनि अगर एक साथ में है तो विवाह के जो संबंध है उनके अंदर भी वह विलंबता कराते हैं, देर कराते हैं। और सूर्य और शनि अगर साथ में है तो पिता और पुत्र के जो संबंध रहते हैं वो कड़वाहट भरे रहते हैं। और यही संबंध सूर्य और शनि के अगर 12वें भाव में तो निश्चित उसका जो बेटा होगा जो उसका पुत्र होगा वो अगले जन्म का बदला लेने के लिए ही उसके घर पे पैदा होता है। तो इतना सूर्य और शनि आपस के अंदर इतने एक दूसरे के लिए परेशान कारक बन जाते हैं जिनका सूर्य शनि साथ में रहता है। अगर लग्न के अंदर साथ में तो कहीं ना कहीं वह शरीर से भी पीड़ित रहता है, शरीर के अंदर रोग भी बने रहते हैं और वह रोग उसे छोड़ते नहीं है। सूर्य शनि अगर सप्तम में हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पत्नी से भी पीड़ित रहता है। अलग अलग भाव के अंदर सूर्य शनि का अलग अलग परिणाम अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। और सूर्य और शनि कई बार मुकदमेबाजी गरीबी अकमान और पिता पुत्र के लिए जेल के कारक भी बन जाते हैं। ये सूर्य और शनि की युति जिन व्यक्तियों को रहती है तो उन्हें सूर्य के प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए तो निश्चित आप इस प्रभाव को थोड़ा अपने जीवन से कम कर सकते हैं। और दूसरा शनि और मंगल, ये एक युति रहती है। शनि और मंगल की युति भी बड़ी दुर्घटना के कारक होती है। और शनि मंगल का जो योग होता है वो ज्योतिष के अंदर दुर्योग बोलते हैं। दुर्योग मतलब इतना खराब योग होता है कि जिस भाव के अंदर वह बैठा रहता है व्यक्ति को निश्चित रूप से वह परेशान करता है। अगर लग्न के अंदर मंगल शनि है तो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन के अंदर आत्महत्या करने की सोचता है। अगर मन भाव के अंदर बैठा हुआ है तो वह अपने मन को हमेशा ये सोचता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँ, मैं जल्दी से जीवन के अंदर मर जाऊँ। और सातवें भाव के अंदर बैठा रहता है तो पत्नी का वियोग भी कराता है, उसके जीवन के अंदर हमेशा उत्पात मचा रहता है, उसके जीवन में शांति कभी बनी नहीं रहती है। मंगल शनि का ये दुर्योग व्यक्ति को निश्चित रूप से परेशान करता है। इस योग के लिए व्यक्ति को विशेष रूप से मंगल की साधना करना चाहिए और मंगल को बढ़ाना चाहिए कि जिस से किसी भी प्रकार का जीवन के अंदर कोई दुर्घटना का योग न बने। और उसके साथ शनि राहु, शनि राहु भी कई लोगों के साथ कुंडली के अंदर रहते हैं। और जब शनि राहु कुंडली के अंदर रहते हैं तो कहते हैं कि तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बना देता है और व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ बना रहता है और उचित अनुचित में वह फर्क नहीं समझता है और व्यक्ति असामाजिक जीवन के अंदर चला जाता है और गलत आदतों के अंदर वह व्यक्ति फंस जाता है। और जो मित्र होते हैं उसके मित्र भी उसके गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं और बुरी शक्तियों का साया भी उसके अंदर विशेष रूप से रहता है। तो उन व्यक्तियों को जिनको शनि राहु का तकलीफ है उन व्यक्तियों को घंटाखंड महावीर की साधना, नाकोड़ा भैरव की साधना और मणिभद्र की साधना जरूर अपने जीवन के अंदर करना चाहिए तो इस बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। और चौथा जो योग है वह शनि शुक्र का योग है। और शनि और शुक्र कहते हैं कि दोनों का आपस में बहुत तालमेल है, दोनों का एक दूसरे का बहुत प्रेम है और शनि और शुक्र आपस में मित्र है। और जब शनि शुक्र के साथ मिलता है तो वह अपनी क्रूरता को भूलकर खुशियां बांटने लग जाता है। और व्यक्ति शनि और शुक्र 1, 4, 7, 10 में रहते हैं तो उसे राजसी वैभव सुख प्रदान करते हैं। और यह योग कई फिल्म स्टारों के अंदर, कई अभिनेताओं के अंदर यह योग देखने को मिलता है। और वह व्यक्ति पक्के इरादे वाला और ईमानदार और आत्मविश्वासी ये शनि और शुक्र का योग बनाता है। और शनि और गुरु ये युति भी बहुत उत्तम रहती है। जिनका शनि और गुरु साथ में रहता है वह व्यक्ति कहते हैं गूढ़ रहस्य को जान लेता है।
गुड़ ज्ञान को वो अपने जीवन में जान सकता है, गुड़ विद्याओं को समझ सकता है, और ये एक दूसरे के सामने अगर इनकी दृष्टि भी रहती है तो दोनों के स्वभाव गुण धर्म बदलते रहते हैं, और गुरु हमेशा शनि का कायल हो जाता है और शनि को वह बलशाली बनाता है, और गुरु की दृष्टि उसके जीवन के अंदर सारे कार्य को पूर्ण कराती है। तो ये गुरु शनि का भी जो योग है वो बहुत कुंडली के अंदर उत्तम योग कहा जाता है। ये शनि और गुरु का योग अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर, संन्यास के क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। और पंचम कोई योग है तो वह शनि और चंद्र का योग है, और ये शनि और चंद्र का जो योग है इसे विष योग कहते हैं। और ये विषयोग जो होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है और मन पे ही पूरा जीवन टिका हुआ है, और चंद्रमा जिसका बिगड़ा हुआ है निश्चित रूप से उसका आधा जीवन कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। मन अशांत है तो सारी चीजें होने के बाद भी जीवन के अंदर शांति नहीं आती है। ये शनि और चंद्र का जो योग है इसे विष योग कहते हैं, और जिस व्यक्ति को यह योग होता है वह व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, चंचल रहता है और हमेशा मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। ये 12 भावों में जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान में कहीं ना कहीं हानि और उसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और एक योग और है जिसे ज्योतिष के अंदर शशक योग कहते हैं, जहां पर शनि कुंभ राशि और मकर राशि के अंदर 1, 4, 7, 10 के अंदर बैठे हैं उनको शशक योग कहते हैं। और जिनका शशक योग के अंदर जन्म होता है वह व्यक्ति राजसही वैभव और राजकीय जीवन और सुख शांति और समृद्धि से अपना जीवन जीता है। तो ऐसे शशक योग, ऐसा योग भी ज्योतिष के अंदर ये शनि का बताया गया है। बहुत डिटेल से गुरुदेव अपने जीवन का पूरा सारांश, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जिन्होंने 800 पेज ऐसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर लिख करके पूरे जैन शासन को जबरदस्त कोटि का ज्योतिष का ज्ञान प्रदान किया है। हर चीज़ को जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं कि जो अपने जीवन के अंदर घिसते ही रहते, कर्जों में डूब चुके हैं, प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे फिर भी जागृत नहीं हो रहे, उन सभी के लिए आज स्पेशल सेशन गुरुदेव ने इसके लिए रखा है कि यदि आपकी कुंडली में शनि की पनौती है और आप बहुत सारी हेल्थ की, वेल्थ की, डिप्रेशन की अनेक दवाइयाँ खा रहे, तो खास पहले से इसको जान लीजिए कि कौन कौन सी राशियों के अंदर पहले तो शनि की पनौती क्या है। आप रोज जा रहे हो, दुकान खोल रहे हो, अलग अलग प्रकार की दुकान में स्कीम रख रहे हो, फिर भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, और आपकी ही जैसी दुकान पास में है उनकी बम्पर चल रही है, तो खास शनि की पनौती को पहले समझिए। और यदि आपको किसी ने भी बोला है तो हर चीज़ का जैन धर्म के अंदर उपाय है, हर चीज़ की साधना है, और जो साधना करता है उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। तो बहुत गंभीर और अत्यंत जीवन में उतारने वाला ये अंतिम 2-3 प्रयोग कि शनि की पनौती यदि आपके जीवन में है तो उसका कैसे निवारण करें, शनि की पनौती कैसे लगती है और शनि की पनौती में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में गुरुदेव बहुत डिटेल से हम सभी को, और व्यक्ति के ऊपर क्या इनके जो सिम्टम्स है, क्या क्या प्रभाव जो राशियों में अभी शनि की पनौती चल रही है उनकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, वो उसके बारे में गुरुदेव प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और हर व्यक्ति शनि की 7.5 से ग्रस्त है, और जब भी किसी व्यक्ति को बोला जाए कि 7.5 तुझे लगने वाली है व्यक्ति डर जाता है, भयग्रस्त हो जाता है और अपने आप को कर लेता है, क्योंकि शनि को 7.5 को समझना बहुत जरूरी है। शनि क्या है, हम इस शनि की 7.5 को समझना इसलिए जरूरी है कि कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग डर जाते हैं, पर डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि जो है वह न्याय का ग्रह है और शनि का काम है व्यक्ति को दंडित करना, उसे न्याय दिलवाना और अपने कर्मों का फल देना। और शनि हमेशा व्यक्ति की परीक्षा लेता है, क्या लेता है, परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वह शनि उसे बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर प्रदान करता है। पर कई व्यक्ति शनि से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने धैर्य को खो देते हैं, और जो 7.5 के अंदर धैर्य बना के रखता है, धीरज बना के रखता है, उसका 7.5 कुछ भी नहीं बिगाड़ती। जब भी व्यक्ति को 7.5 लगे उस व्यक्ति को अपने जीवन में छोटे मोटे प्रयोग तो करने ही चाहिए, पर साथ साथ में तप त्याग की आराधना भी करना चाहिए। जो तप करता है वह शनि को जीत लेता है। कहते हैं हिंदू शास्त्र के अंदर जब महादेव जी को 7.5 लगने वाली थी
और महादेव जी ने कहा कि शनि मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कुछ भी कर नहीं सकता, मैं तपस्या करूंगा, मैं तप करूंगा तो शनि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। तो कहते हैं महादेव जी गुफा के अंदर चले गए और उन्होंने तप धर्म की आराधना वहां पर की और शनि ने कई प्रकार से उनकी साधना के अंदर विघ्न डाले, बाधा डाली और कई प्रकार को उनको उपसर्ग दिया, पर महादेव जी तप के अंदर लीन रहे। और कहते हैं कि जरूर धूल उड़ी, जरूर उनको गुफा के अंदर रख दिया, पर शनि उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। शनि किसी का भी नहीं बिगाड़ेगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर तप की आराधना रखेंगे और छोटे मोटे टोटके और छोटी मोटी विधियां अगर आप अपने जीवन के अंदर करते रहेंगे तो शनि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शनि की साढ़े साथी अभी वर्तमान के अंदर तीन राशियों के अंदर चल रही है, एक तो मकर राशि, दूसरी कुंभ राशि और तीसरी मीन राशि के अंदर शनि की साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी किसे कहते हैं? साढ़े साथी जिसकी चंद्र कुंडली के अंदर, जातक की चंद्र कुंडली के अंदर, अगर लग्न के अंदर, मध्य के अंदर अगर शनि चंद्र साथ में आ जाते हैं तो उस व्यक्ति का जन्म भी साढ़े साथी में होता है। जिसका शनि चंद्र साथ में है, समझना उसका जन्म साढ़े साथी के अंदर हुआ है। और शनि चंद्र अगर साथ में आते हैं, मध्य में आते हैं, तो वह शनि का बीच का काल होता है। और बारहवें भाव में अगर शनि है तो वह उसका प्रथम काल होता है, और दूसरे भाव में अगर शनि है तो उसका ये तीसरा काल होता है। पहली साढ़े जो ढाई साल होते हैं वह ढाई साल व्यक्ति के सिर पर रहता है शनि, ढाई साल व्यक्ति के पेट पे रहता है और ढाई साल व्यक्ति के पैरों पे रहता है। और जिनको साढ़े साथी लगती है उनके जीवन में अनेक प्रकार की उथल पुथल की घटनाएं का भरमार हो जाता है। व्यक्ति नई गतिविधियों, नए संबंधों, नए परिवेशों के अंदर शनि ले जाता है और शनि को स्पीड ब्रेकर कहा है। जैसे आप रोड पर जाते हैं और गाड़ी जब चलाते हैं तो रास्ते में कई स्पीड ब्रेकर है, तो यह शनि भी व्यक्ति के जीवन के अंदर अवरोध पैदा करता है। और शनि व्यक्ति के रोजगार को छुड़वा देता है, नौकरी को छुड़वा देता है और उसके कई बार तबादले भी करवा देता है और निवास स्थान को छुड़वा करके उसको परदेश में भी ले जाता है। और शनि संसारिक प्रवृत्तियों से विमुख करके उसको वैराग्य की ओर ले जाता है। और परिवार में जब साढ़े साथी चालू होती है तो परिवार में किसी निकट व्यक्ति की मृत्यु भी होती है और प्रेम विवाह और अनेक प्रकार की परेशानियों का, विघ्न बाधाओं का उसको सामना करना पड़ता है। पर उस साढ़े साथी के दौरान कई घटनाएं जीवन के अंदर बुरी घटती है, शनि कष्ट भी देता है तो सहलाता भी है, हानि भी करता है तो उसकी पूर्ति की भी राह शनि दिखाता है। शनि हमेशा आपकी परीक्षा लेता है, शनि आपका परीक्षक है। और शनि जब आपकी परीक्षा ले और ऐसी अनेक जब साढ़े साथी लगती या शनि का प्रभाव या शनि के अंदर कोई भी कुंडली के अंदर दोष होता है या शनि हमारा गलत जगह पे बैठा है, उसके बुरे प्रभाव है, तो ऐसी कई चीजों को देखने को मिलती है, तो उस समय हम धैर्य रखें, अपने आप का संतुलन बना के रखें। और कई व्यक्ति संतुलन बना के नहीं रखते हैं तो गलत मार्ग पर भी वे चले जाते हैं और अपने जीवन के अंदर व्यसनों को वह जगह दे देते हैं। पर शनि की साढ़े साथी लगे तो हमें अपने जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा तप, त्याग और मुनीश्वर स्वामी भगवान की आराधना करनी चाहिए। और जो मुनीश्वर दादा की आराधना करता है, कहते हैं जिसके दादा की जो सेवा करता है शनि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि शनि साढ़े सात साल तक एक राशि पर रहता है, वह चार पायों पर रहता है। सर्वप्रथम वह सोने के पाये पे रहता है, दूसरा चांदी के पाये पे आता है, तीसरा वह तांबे के पाये पे आता है और चौथा लोहे के पाये पे आता है। और जो सोने का पाया और लोहे के पाये पे जब शनि आता है तो वो काफी खराब रहता है, काफी उसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और चांदी और तांबे पर जब आता है तो वह व्यक्ति की हर चीज के अंदर अभिवृद्धि कराता है। तो शनि भी छोटे छोटे डिस्टेंस रहते हैं, ऐसा नहीं कि साढ़े सात साल ही उसके बुरे रहते हैं, कुछ महीने बुरे रहते हैं और बाकी सारे महीने अच्छे रहते हैं। तो शनि जब भी साढ़े साथी आए तो भगवान के निकट जाए, भगवान के पास जाए और धर्म के निकट जाए, तो धर्म रक्षक जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और हमें हमेशा मुनीश्वर स्वामी दादा की आराधना करके इस साढ़े साथी के प्रभाव से हम बच सकते हैं। बहुत जबरदस्त बातें गुरुदेव ने हम सभी को बताई है। ये सारा एपिसोड करने के पीछे का आज मैं आपको सबसे बड़ा रिसर्च और एक सच बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे जैन भाई बहन को प्रॉपर जगह नहीं मिलने के कारण, प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलने के कारण, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव में रहते हैं
ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे। गुजरात में भी एक ऐसा स्थान है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक के अंदर भी ऐसा स्थान है कि जहाँ पर हजारों लाखों रुपया ऐसे शनि पूजा के लिए, शनि दोष निवारण के लिए, कालसर्प योग की पूजा के लिए हमारे जैन परिवार खर्चा करते हैं। गुरुदेव ने जैसे बताया कि मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की आराधना आपके आत्मबल को पावरफुल बनाएगी, आपके पुण्य बल को पावरफुल बनाएगी, और ये कुछ कमजोर समय भी आपके पास आया है उसमें भी चित्त की प्रसन्नता भर देगी। जैन धर्म के अंदर आपने बहुत सारी ऐसी प्रतिमा भी देखी होगी कि भगवान के चरणों में भी ये सारे सम्यक दृष्टि देवी देवताओं विराजमान है, और इसीलिए वंदिता सूत्र में बताया कि सम्मदिट्ठि देवा दिन्तु समाहिं च बोहिं च। गुरुदेव की ऐसी जबरदस्त भावना है कि प्रत्येक समाज का हर व्यक्ति समाधि को यानी हैप्पीनेस को प्राप्त करे, परिवार के साथ आनंद को प्राप्त करे, और इसी के लिए अंतिम चरण के अंदर कुछ पावरफुल शनि दोष निवारण प्रयोग आपको बता रहे कि जैसे आपके जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारी है, बड़े से बड़ा कर्जा है, बड़े से बड़ा पैसा इधर उधर फंस गया है, या कुंडली में बहुत बड़ा शनि का दोष है, तो उस शनि के दोष का निवारण आप छोटी सी ऐसी पावरफुल आराधना करो, 100% आपको फल मिल सकता है, 100% आपके जीवन में धीरे 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 करके बदलाव आ सकता है। तो ऐसे पावरफुल शनि दोष निवारण कुछ विशेष उपाय जरूर जरूर आप सभी लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही आज ये शनि जयंती के पावन अवसर पर शनि के प्रभाव को दूर करने के लिए, साढ़े साती के प्रभाव को दूर करने के लिए कई छोटे मोटे नुस्खे हैं, उन नुस्खों के माध्यम से आप पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं, मानव सेवा का कार्य भी कर सकते हैं, और धर्म की सेवा भी और अनेक मानव की सेवा भी आप इन टोटकों के माध्यम से, इन प्रयोगों के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको पुण्य की प्राप्ति भी हो सकती है। शनि की साढ़े साती आए, कई लोग घबरा जाते हैं, स्त्रियां बोलती है कि शनि की साढ़े साती उनको लग गई, पर उन्हीं स्त्रियों को शनि की साढ़े साती लगती है जो प्रभावशील है, जो साइन जिनके सिग्नेचर चलते हैं, जो कर्मठ है, जो पुरुषार्थी है, और जो अपने आप में अपने पैरों पर खड़ी है, उन पर ही शनि का प्रभाव दिखता है। और शनि जिनके पिता जीवित हैं, जिनके पिता घर पर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर बड़ों का साया है, उन पर शनि का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। और ये शनि के छोटे मोटे नुस्खे हैं, आप अपने जीवन के अंदर करते जाइए। आप रोज काले कुत्ते को तेल की चोपड़ी हुई आप रोटी खिला सकते हैं, और शनि कुष्ठ रोगी आश्रम में जाकर के उनको भोजन की सामग्री दे सकते हैं। ये शनि के जो प्रयोग हैं, क्योंकि शनि हमेशा छोटे व्यक्तियों के, नीचे व्यक्तियों का कारक है। आप बड़े पुण्यशाली हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को तो शनि के प्रभाव को समझने के लिए और शनि के प्रभाव को कम करने के लिए आपको गुरु भगवंतों का मार्गदर्शन मिल गया। पर वे लोग जो बिल्कुल शनि के प्रभाव से बिल्कुल निम्न कोटि में जिनका जीवन चल रहा है, उन लोगों को तो कोई मार्गदर्शन देने वाला भी नहीं है। पर आपके बड़े पुण्य हैं कि आपको शनि के प्रभाव को कम करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। जिनका शनि खराब रहता है वह हमेशा अपने जीवन के अंदर, जैसे कुष्ठी रोग, जैसे कहते हैं कि वो छोटे लोग जो भिखारी होते हैं, जो कुष्ठी रोग होते हैं, और जो क्लर्क होते हैं, छोटे मोटे जो काम करते हैं, उन पर शनि का प्रभाव रहता है। आप पुण्यशाली है कि आपको शनि का प्रभाव आपके कम करने के लिए कई उपाय यहाँ पर बताएं। आप बुजुर्ग व्यक्तियों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, और जब भी शनि प्रभाव कम करना हो तो आप लोगों को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और हमेशा आत्मचिंतन करना चाहिए, और भाषा वर्गना कम से कम बोलना चाहिए, और हमेशा गौशाला में जाकर के आप काली गायों को शनिवार के दिन जाकर के गौशाला के अंदर घास डाल सकते हैं, और 11 शनिवार एक उड़द मुट्ठी अपने शरीर से उतार करके पानी के अंदर प्रभावित कर सकते हैं। और घर के अंदर जितना भी कबाड़ का सामान है, जितना भी भंगार का सामान है, शनि की साढ़े साती के अंदर वो भंगार का सामान आपको हटा देना चाहिए, अपने घर से निकाल देना चाहिए। और शनि कि जब साढ़े साती लगे तो अपने कार्य स्वयं करना चाहिए, चाहे वह घर के बर्तन धोना हो, चाहे जूते पॉलिश हो, चाहे सफाई का काम हो, व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। और शनिवार के दिन आप एक थोड़े कोयले
थोड़ी उड़द और थोड़ा जौ काले कपड़े में बांध करके अपने शरीर से 21 बार उतार करके शनिवार को पानी के अंदर प्रभावित कर सकते हैं, नदी के अंदर प्रभावित कर सकते हैं। और जब 7:30 चले तो आप अपने भोजन के अंदर काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। और शनिवार के दिन आप 100 ग्राम लकड़ी के कोयले और एक नारियल रख करके अपने शरीर से उतार करके शनि मंदिर में रख सकते हैं, मुनिष्ट या पानी के अंदर प्रभावित कर सकते हैं। और जब शनि की 7:30 चले और शनि का प्रभाव कम करना हो तो एक लोहे के बर्तन के अंदर सरसों का तेल भर करके एक लोहे का सिक्का डाल करके अंधेरे के अंदर रख देना चाहिए। और शनि के प्रयोग को कम करने के लिए जो चींटियां होती है, काली चींटियों को शक्कर और आटा मिला करके उन चींटियों को डालना चाहिए। और इससे भी एक प्रभावशाली जो टोटका है, आप एक कार्य कर सकते हैं कि शनिवार के दिन एक गोला ले नारियल का और उस गोले के अंदर घी, शक्कर और आटा भर करके जहाँ चींटियों का बिल हो वहाँ ले जा करके उसको गाड़ दे और थोड़ा सा मुंह खुला रखे तो शनि का प्रभाव निश्चित कम हो जाता है। और कौवे को आप गाठिया खिला सकते हैं। अपाहिज बुजुर्ग और अंधे व्यक्तियों को भी आप जाकर के सेवा कर सकते हैं। और अपने वजन के अनुसार 7 धानों का भी दान आप कर सकते हैं। और शनिवार के दिन आपको उड़द के पापड़ नहीं खाना, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। ऐसे शनिवार के कई छोटे मोटे टोटके हैं जो आप अपने घर पर कर सकते हैं और शनि के प्रभाव को कम कर सकते हैं और पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। और सबसे प्रभावशाली कोई प्रयोग है तो दादा मुनिश्वर स्वामी की आप अष्ट प्रकारी पूजा जाकर के मंदिर में करें, उत्तम से उत्तम द्रव्य परमात्मा को चढ़ाए, परमात्मा का अभिषेक करें। विशेष रूप से आप शनिवार के दिन मुनिश्वर दादा की भक्ति करें तो निश्चित शनि के प्रभाव से आप बच सकते हैं। ये सामान्य रूप से शनि के प्रभाव है। और शनि के कई मंत्र हैं। जब शनि कहते हैं कि शनि का जो दान है वह दोपहर के अंदर देना चाहिए, मध्याह्न के अंदर देना करना चाहिए। कई लोगों को दान की पद्धति पता नहीं, ग्रहों की पद्धति पता नहीं। आप जब शनि का प्रभाव आपके ऊपर है तो आप शमी का जो वृक्ष है उस वृक्ष की जड़ भी आप अपने पास रख सकते हैं। और शनि के जो मंत्र है वह मंत्र है 92,000। कलयुग के अंदर कहते हैं कि 23,000 शनि के जप करें, मतलब 4 गुना, 23,000 के 4 गुना 92,000 होते हैं। और 92,000 जप करके भी आप शनि के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यहाँ पर देख गुरुदेव ने बहुत सरल रूप से, कोई शनि की पनौती है, शनि के प्रॉब्लम से सारे काम रुक चुके हैं। कॉमन जो मैं आपको सारांश बताता हूँ तो उसमें बहुत सारे जीवदया के हैं, बहुत सारे अनुकंपा दान के प्रयोग है, बहुत सारे प्रभु भक्ति के प्रयोग हैं। और ये इतने छोटे छोटे हैं कि 10 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये और बड़ा रिजल्ट चाहिए तो 1,00,000 रुपये के अंदर भी आप ये कर सकते हो। आप करना जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे 100% आपके जीवन में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शनिवार को उपास अयम्बे लेकाशना करते हुए, भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा करते हुए, मंत्र का अंतिम विज्ञान, मंत्र आपकी ओरा को क्लीन करता है, मंत्र आपको पूरी तरह से क्लींजिंग करता है, मंत्र की साधना से आपकी प्रभावकता बढ़ती है, मंत्र के माध्यम से आपके रुके हुए कार्य जो है वो परिपूर्ण होते हैं और हैप्पीनेस तो रोम रोम में भर जाती है। तो आखिरी शनि के कुछ एकाध दो चार ऐसे मंत्र गुरु मुख से, बहुत सारे लोग ऐसे किताबों में से तो पढ़ रहे हैं, आज आपके पास ऐसे गुरुदेव हैं कि जिन्होंने शनि के ऊपर जबरदस्त किताबें लिखी है, कालसर्प योग के ऊपर जिन्होंने किताबें लिखी है, ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है। और रोम रोम में बस एक ही भावना है कि मेरा प्रत्येक श्रावक समृद्ध बने, मेरा प्रत्येक श्रावक स्वस्थ बने, चित्त से प्रसन्न बने। तो खास खास जिनको शनि की पनौती है, जिनको लग रहा है कि मेरे साथ ये सारे लक्षण, ये सिम्टम्स मेरी लाइफ में दिख रहे हैं, वो सारे लोग अपने मंत्रों को बराबर ध्यान से लिखिए, इसका बराबर जाप कीजिए, आपकी जिंदगी में भी मिरेकल चेंजेस आ सकता है। आखिरी शनि देव के वो पावरफुल मंत्र प्रयोग जो आपको गुरुदेव सुना रहे हैं, जो करेंगे तो अवश्य आपको पूर्ण रिजल्ट की प्राप्ति होगी। मंत्र बहुत उत्तम साधना है। पानी को ऊपर ले जाने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर की ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए मंत्रों की आवश्यकता होती है।
और जब किसी भी चीज का बार बार स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो वह चीज हमारे निकट आ जाती है। एक छोटा बच्चा भी जब रुदन करता है, माँ कितनी भी व्यस्त हो, कितनी भी बिजी हो, वह सारे कार्य छोड़ करके वह अपने बच्चे के पास पहुँच जाती है। वह भंवरी भी कीड़े के गुंजन करती है और उस कीड़े को भी भंवरी के रूप में परिवर्तन कर देती है। तो मंत्र भी व्यक्ति को ऊपर की ओर ले जाता है और मंत्र की जो ऊर्जा, जो ओरा हमारे आभा मंडल के ऊपर जो ओरा बनती है, वह ओरा व्यक्ति के समस्त कार्यों के अंदर सिद्धि प्रदान करती है। तो ये मंत्र भी जब आप जप करेंगे, जब जप करेंगे तो ये मंत्र शनि के प्रभाव को आपको कम करेंगे। एक बहुत सिंपल सा मंत्र है, जो बहुत साधारण सा मंत्र है। कहते हैं कि ओम रीम श्रीम मुनिस स्वामी ने नमः, ओम रीम नमो लोए सवसाहुनम। ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, रोज एक माला गिन सकते हैं। और ये बड़ा मंत्र है, ओम नमो अरहते भगवते मुनिस्त स्वामी तीर्थंकराय वरुण यक्ष बहुरूपिणी यक्षिणी सहिताय, ओम आम क्रोम रीम रह शनि महाग्रह मम दुष्ट रोग कष्ट निवारणम सर्व शांति च कुरु कुरु रुम फट स्वाहा। और एक सिंपल जो मूल मंत्र शनि का, ओम सम सनिच्चराय नमः। और एक जो तंत्र मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सने नमः। और एक है ओम मंदाय नमः। ये छोटे छोटे मंत्र हैं, इन मंत्रों का आप जाप करके शनि के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बहुत शानदार, गुरुदेव ने हर विषय को एस्ट्रोलॉजी के, मंत्र साधना के, वास्तु के प्रयोग बताए और ये सभी चीज़ें बताते बताते आपका निर्मल सम्यक दर्शन हो, तीसरे भाव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो और ये सभी साधना आपकी चेहरे की मुस्कान और बढ़ाए। जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े रहिए। गुरुदेव पूना के अंदर विराजमान है, जैन अनुष्ठान की पूरी टीम गुरुदेव को बारंबार विनंती कर रहे हैं, विश्व भर के सारे लोग गुरुदेव आपको विनंती कर रहे हैं, आपके आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपके व्यस्ततम समय में से अपना इतना डिटेल के साथ में, लोग इधर उधर भटक रहे थे, बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की प्रतिमा भी आप रख सकते हो, गुरुदेव पूना के अंदर विराजमान है, इतने सरल है, मेरे जीवन में तो बहुत उपकारी है। जब जब भी मुझे कोई प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के लिए होता है तो मैं गुरुदेव को तुरंत फ़ोन करता हूँ। इनकी किताबों के माध्यम से भी मैंने बहुत सारे आपको कोर्सेज सिखाए हैं। तो पुनः 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 ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष रत्न, अनेक उपाधि से, अनेक अलग अलग प्रकार के अलंकृतों से, अवॉर्ड से, पुस्तक इनके आप देखेंगे तो इतने शानदार पुस्तक होते हैं कि अपन देखते ही उनके ऊपर मन हो जाए। अभी अभी राजेंद्र सूरी महाराज जी की प्रतियोगिता के माध्यम से भी पूरे विश्व के अंदर गुरुदेव छवाए हुए हैं। तो ऐसे लाभेश्वर जी महाराज साहब जी को सत सत प्रणाम करते हैं जी। हमारे जीरावला जी के जो ट्रस्टी भी पधारे हैं, पधारिए सर। जैन शासन की जो यशो गाथा, गुरुदेव का जो प्रभाव है, गुरुदेव की जो साधना है, ओनली फॉर मैं नहीं, विश्व भर के अनेक संघों के ट्रस्टी भी गुरुदेव के दीवाने हैं। तो हमारे जीरावला महातीर्थ के ट्रस्टी महोदय उपाध्यक्ष साहेब श्री जयंतीलाल जी पधारे हैं, उनका भी बहुत 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 स्वागत करते हैं, उनको भी बारी बारी से प्रणाम करते हैं। जैन अनुष्ठान की पूरी टीम आपको प्रणाम कर रही है। तो ऐसे पूरे विश्व में छाए हुए गुरुदेव लाभेश विजय मार साहब जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और बारंबार ऐसा पुनः समय आए, जब जब भी मौका आए तो पूरे जैन अनुष्ठान के लाखों लोगों को आपकी जो अनमोल विद्या है, आपका जो अद्भुत जो रिसर्च है और आपकी जो सरलता है, आपकी जो मुस्कान है, साहिब जी को अच्छा लगाने के लिए नहीं पर आप वीडियो में भी आप आधे घंटे से देख रहे हो, जो इनकी नेचुरल हंसी है, जो इनकी आंखों की नमी है, वो भी हम गुरु का ध्यान करें। जिस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन ऐसे गुरुओं के साथ जब जब भी मौका मिलता है, साथ में रहते हैं, बातें करते हैं और जो इनकी ओरा हमें, मुझे जो फील हुई है और आप लोग जो मुझे मानते हो, इसीलिए मैं आज इस ये गुरु का परिचय करा रहा हूँ। इनके वीडियो में से एक प्रयोग भी आप करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्व भर में आप कहीं पर भी हो, आप एक बार दिल से मुनीश्वर स्वामी जी भगवान का आभार मानेंगे, गुरुदेव को वंदना करेंगे और जैन धर्म के लिए प्रभु को सलाम करेंगे कि अद्भुत ऐसा शासन हमें मिला है, ऐसा गुरुदेव मिला है। तो आप सभी लोग
शनि जयंती का मौका अभी बहुत समय है, वीडियो आपके पास जमकर आता रहेगा, उनको मैक्सिमम शेयर करते रहे। पूरे विश्व के अंदर इस शनि जयंती के ऊपर मुनीश्वर स्वामी जी भगवान का जय घोष, शनिदेव का जय घोष, तप त्याग ज्ञान साधना से आप सभी के जीवन में आनंद 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 लहराए, यही भावधारा के साथ प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।